किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। वैसे उड़ रहे, देखो उड़ रहे हैं, अब देखो मेरे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हमारा गरबा का तीसरा दिन है, जो कि आज का ड्रेसअप ये है पूरा व्हाइट में। और कैसे लग रहा है हम लोग कमेंट में जरूर बताना। तो चलते हैं अपने डांडिया वाले लोकेशन पे, गरबा खेलेंगे, डांडिया खेलेंगे, खूब मस्ती करेंगे। और हाँ गाइस, मेरा फर्स्ट एंड सेकंड डे गरबा व्लॉग आपको कैसा लगा होगा, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत मजा आया होगा। इस ब्लॉग में बहुत मजा आने वाला। और जिन्होंने मेरा फर्स्ट डे सेकंड डे वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा तो जल्दी जाके देख लो, तभी तो ये वाला ब्लॉग समझ में आएगा। तो फिर चलते हैं गाइस अपने गरबा लोकेशन पे, फिर आपको वहाँ दिखाता हूँ गरबा नाइट। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं अपने गरबा लोकेशन पे, तो देख सकते हो। हमारे पंडाल का आप लोग माता रानी का देखे नहीं हो तो आप लोग माता रानी का मैं दर्शन करा देता हूँ। तो देखो इस टाइप का हमारे माता रानी जी हैं, जो कि छत्तीसगढ़ी कल्चर के थीम में बनाया गया है। कैसा लग रहा है बताना। बाकी चलो चलते हैं, कुछ देर में फिर हमारा डांडिया डांस चालू होने वाला है। और हाँ गाइस, हमारा आईडी कार्ड भी आ चुका है यहाँ के समिति के द्वारा से, तो हम लोग यहाँ के बन चुके हैं मेंबर। चलिए पहला गाना प्ले लिस्ट में, हम लोग पहला गरबा करने जा रहे हैं। रेडी करके कैसा लगा? जोर से जोर से, थोड़ा बैकग्राउंड की आवाज नहीं आ रहा है। जो भी है, मेरा आवाज आ रहा होगा तो हम लोग रहने बहुत अच्छे से जा रहे हैं। इसके आगे देखते हैं और अच्छा है। अभी इतना भी देखो कि उसमें मजा आ रहा होगा और देखते हैं मजा आएगा। मैं भाई भाई मतलब भाई ना भला मोरे रामा भला तारे रामा सॉन्ग है ना, तो रेडी चलो। तीन पार्टनर तो ये बहुत गुस्सा हो गई थी, मैं इसके साथ जब कर रहा था तो चलो फिर होते रहता। हमारे कवाली होगा हमारे टीम के बीच। आज भी पुलिस लोग आ गए हैं, देख सकते हो गाइस। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, ओ देखेंगे, देखेंगे, ओ देखेंगे, ओ देखेंगे। किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे, किसी दिन ये तमाशा मुस्कुरा कर हम भी देखेंगे। चल नहीं पाएगा हम लोग,
अपने मुंह से ही गा लिए, काफी मजा आया। कैसा लगा? बहुत मजा आया। फाइनली हमारा गरबा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और आप लोग बताना कैसा लगा, और आप सभी को नवरात्रि की बहुत 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 सारी बधाई। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ का पंडाल बना है, कहाँ का नवरात्रि की पूजा चल रहा है, तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे, माता रानी के दर्शन कराएंगे। तो चलो चलते हैं फिर। गाइस ये फर्स्ट हमारा पंडाल है जिसके इसे घर के पास पड़ता है, तो यहाँ पर बना है चंद्रयामा 3। तो देख सकते हो ये क्या होता है, ये ऊपर उड़ता है, उसके बाद वहाँ पर चांद बना है, वहाँ पर लैंड होता है और वहाँ पर गाड़ी घूमता है गोल गोल। तो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, काफ़ी सुंदर लग रहा है। और चलो फिर माता रानी का दर्शन करवाते हैं अंदर, चले फिर। चलो देख सकते हो गाइस कितना रियलिटी लग रहा है पूरा ना, रियल। वहाँ तो देख नहीं पाए, तो उड़ रहे, देखो देखो उड़ रहे हैं आप, देखो 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 कैसे पर यहाँ पर गाड़ी निकल चुकी है जो कि अभी एक्सप्लोर करेगा। ये रहा गाइस, तो सब दर्शन कर लो, देख सकते हो। अरे वाओ ब्यूटीफुल। कैसे लग रहा भाई, रियल अचीव नहीं देख पाए यहाँ, लेकिन हुबहू मिल गया देखने के लिए हमको चंद्रयामा, है ना। अंकरीज में फीलिंग आ रहा है पूरा, कैसे लगा अंकरीज में फीलिंग आ रहा है, बहुत ज्यादा। हम खिचड़ी खा रहे हैं, फिर आपको खाने के बाद मिलते हैं दूसरे पंडाल पे। ये है केदारनाथ जो कि यहाँ पर बना है चकदनगर चौक में, और एक हमारे इधर भी बना है, आप तो देखे ही होगे उसको। तो दो यहाँ दो केदारनाथ बना है, दो आदि योगी भी बना है, दो आदि योगी बना है ना, एक हमारे मोहल्ले पे और एक आदि योगी वहाँ पर है, क्या बोलते हैं यहाँ पर जो संजीवनी के पास सामने, और इतने उधर चौपाटी के पास। तो चलते हैं, अभी चलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, तो उसको देखेंगे। तो ये रहा गाइस यहाँ पर बना आदि योगी जो काफी खूबसूरत लग रहा है एंड रियल लग रहा है, तो कैसा लग रहा है बताना। हाथ में चना मिल रहा है, खत्म हो गया यार। अरे यहाँ पर बना है स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, देख सकते हो बाकी कैसा लग रहा है, तो अच्छा ही लगेगा ना। इंडिया के कुछ थीम में बनाया जाता था ना, बाकी चलो कुछ तो नया टाइप का लगा थोड़ा। वल्लभ भाई पटेल का बना देते, बाकी कैसा लग रहा है बताना। चलते हैं फिर दूसरे पंडाल पे या फिर घर जाएंगे। चलो एक आध और घूमते हैं, हाँ। तो गाइस ये एक रहा पंडाल जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है, नॉर्मली है, गोल्ड में नहीं थोड़ा कलरफुल में। अच्छा गाइस एक लास्ट में एक और पंडाल है, उसको देखेंगे फिर चलते हैं घर, क्योंकि ज़्यादा टाइम भी हो चुका है और घर से फोन भी आ रहा है। तो चलो आप लोगों को दर्शन करवाते हैं यहाँ का लास्ट माता रानी, बाकी बहुत मतलब बहुत दूर में बनाते हैं उसको अंदर, वो बहुत अंदर रहते हैं यहाँ का, यहाँ का बहुत अंदर रहता है, बहुत अंदर। बाकी ना यहाँ हमेशा बहुत प्यारा डेकोरेशन होता है। तो गाइस मैं फाइनली घर आ चुका हूँ और काफ़ी रात हो चुकी है, देख सकते हो कि 1 बजने को करीब है और बहुत थकावट लग रहा है। और हमसे जितना हो सका है गाइस हम लोग आप लोगों को माता रानी का दर्शन करवाए हैं बढ़िया सा, और आई होप आपको ये तीसरा दिन वाला गरबा वाला ब्लॉग बहुत मज़ा आया होगा। तो फिर चलो ब्लॉग को अब यहीं करते हैं, तो फिर जानते रहो आपको आगे क्या करना है, तो फिर चलो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले बाय। बिग थैंक यू फॉर बींग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।